सो हे गाइस, माय नेम इज अमित। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं डिटेल रिव्यू इस लैपटॉप की, जो है MSI GF63 थिन वाला एडिशन। ठीक है, सो आज इस वीडियो में हम काफ़ी सारी बात करने वाले हैं इस लैपटॉप के बारे में, क्या मुझे इस लैपटॉप में अच्छा लगा, क्या मुझे लैपटॉप में अच्छा नहीं लगा है। ठीक है, क्योंकि मुझे इस लैपटॉप को यूज़ करते हुए मोर देन 1 वीक हो चुका है एंड अब मैं जान ही गया हूँ इस लैपटॉप को लगभग से कि कैसा ये लैपटॉप परफॉर्म कर रहा है गेमिंग में, एडिटिंग में, एंड काफ़ी सारे जो इसके फीचर्स हैं वो सभी मैंने देख लिए। सो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा चीज़ बता दूंगा। अगर ये लैपटॉप खरीदने की आप सोच रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देखते रहना, आप समझ जाओगे बहुत सारी बातें इस लैपटॉप के बारे में कि आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने इस लैपटॉप खरीदा था 54,990 रुपीज़ में, एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ, इतना ही है। ठीक है, देख लो। ठीक है, बट मैं खरीदने के बाद जब मैं इसे 1 वीक तक यूज़ किया तो मुझे इसमें काफ़ी सारे फीचर्स काफ़ी अच्छे लगे। ठीक है, एंड कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो मुझे अच्छी नहीं लगी है, तो मैं उस वीडियो में आगे बात करूंगा। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहो। तो देखो, सबसे पहले इसकी बात करते हैं डिज़ाइन की। ठीक है, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, फ्रंट में आपको मेटल फिनिश मिल जाता है। ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, वुडन फिनिश है, मतलब डिज़ाइन इसका वुडन टाइप का है जो कि आप अभी देख पा रहे हो, तो वो काफ़ी पसंद है मुझे, उसका डिज़ाइन काफ़ी पसंद है। बट इसमें फिंगरप्रिंट मैग्नेट भी है, अगर आप जो प्लास्टिक है उसको आप हटा दोगे, जो जब आप लैपटॉप लेते हो तो स्टार्टिंग में आपको प्लास्टिक लगा हुआ मिलता है, ऊपर में प्लास्टिक का लेयर रहता है, उसको हटा के अगर आप यूज़ करोगे ना तो काफ़ी सारे फिंगरप्रिंट आने वाले हैं। सो इस बात का ध्यान रखना, इसलिए मैंने अभी तक प्लास्टिक नहीं हटाया इसका ऊपर का, बाकी अंदर का मैंने प्लास्टिक हटा दिया है, तो आप देख सकते हो कैसे फिंगरप्रिंट आ चुके हैं। ठीक है, एंड डस्ट जो है इसमें आपको आराम से दिख जाएगी, जैसा उसका कलर है उस हिसाब से उसको डस्ट आपको दिख जाएगी पूरा आराम से, है ना। सो देखो, डिस्प्ले आपको मिल जाता है इसमें 15.6 इंचेस का फुल HD IPS डिस्प्ले एंड ये 100% RGB है, तो कलर एक्यूरेसी इसमें एग्जैक्ट है। ठीक है, अगर आप एडिटिंग के लिए बाय करना चाहते हो तो कलर एक्यूरेट है इसका डिस्प्ले, वो मैंने देख चुका है, मतलब कि मैंने एडिट किया था प्रीमियर प्रो में एंड काफ़ी सारे फ़ोन में देखा, जैसा लैपटॉप में दिख रहा था वैसा ही बाकी सारे फ़ोन में भी दिख रहा था, फ़ोन के डिस्प्ले में। ठीक है, तो कलर एक्यूरेट तो है, आप इस पर भरोसा करके कलर एडिट कर सकते हो अगर आपको कलर एडिटिंग करना है अपने लैपटॉप से, तो दिस लैपटॉप इज़ गुड ऑप्शन फॉर यू। सो अब देखो, अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। तो इसमें आपको प्रोसेसर मिल जाता है कोर i5 9th जनरेशन 9300H। ठीक है, तो आपको इसमें GPU जो है वो मिलता है 1650 विथ मैक्स क्यू। सो देखो, अब आप सोचोगे कि अगर ये दोनों है तो उसका जो कूलिंग सिस्टम है वो कैसा है। तो इसमें आपको सिंगल फ़ैन मिल जाता है कूलिंग के लिए, तो अब आप सोचोगे कि सिंगल फ़ैन क्यों। ठीक है, हमें तो डुअल फ़ैन मिल सकता है क्योंकि आजकल जो लैपटॉप है वो सारे ऑफर कर रहे हैं, बट इसमें सिंगल फ़ैन है, बट ये जो हीट मेंटेन आराम से कर लेता है, जो कूल इसका जिसका एयर फ्लो है उसको आराम से मेंटेन कर लेता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती। अभी तक जो मेरा मैक्स टेम्परेचर गया है इसको गेमिंग के टाइम यूज़ करते हुए, तो वो गया है 84°C एंड उसमें मैंने टर्बो मोड ऑन करके रखा था। एंड अगर मैं आपको इसके स्कोर्स दिखाऊं तो वो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसके स्कोर जो है, PC बेंचमार्क स्कोर एंड काफ़ी सारे अदर्स। सो अब बात करते हैं इसके जो कीबोर्ड है एंड माउस के बारे में। तो कीबोर्ड इसमें आपको बैकलाइट कीबोर्ड मिल जाता है जो कि सिर्फ एक कलर को सपोर्ट करता है जो कि है रेड, बट इसमें आपको लेवल्स मिल जाते हैं, 3 लेवल्स हैं ब्राइटनेस के, तो वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो जो कि एक अच्छी बात है। एंड जो इसमें आपको नम पैड नहीं मिलता, मतलब कि नम पैड नहीं है इसके कीबोर्ड में, तो कीबोर्ड थोड़ा बड़ा दिखता भी है एंड नम पैड नहीं है, तो उसमें खास दिक्कत होने वाली नहीं है आपको। एंड लैपटॉप ले रहे हो तो आप अलग से तो कीबोर्ड लोगे ही। ठीक है, एंड अगर माउस की बात करें, मतलब जो ट्रैक पैड है इसका, उसकी बात करें तो आपको ना ट्रैक पैड ज़्यादा बड़ा मिलता है, जैसे कि मैकबुक एयर मैकबुक प्रो में मिलता है, तो ट्रैक पैड थोड़ा बड़ा रहता है ना, इसका ट्रैक पैड बड़ा है ना ही इसका ट्रैक पैड छोटा है। ठीक है, सो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एंड ये सारे जेस्चर को सपोर्ट करता है, विंडोज़ के सारे जेस्चर को सपोर्ट करता है। ठीक है, एंड अब अगर गेमिंग की बात करें, मतलब इस लैपटॉप में गेमिंग कैसी होती है, तो 1650 का ग्राफिक्स कार्ड है जैसे कि मैंने आपको बताया, तो गेमिंग आपको GDDR5 हाई सेटिंग्स में आराम से 1080p का गेमिंग करा देता है। एंड जिसका डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है वो 60Hz है, तो आपको मतलब गेमिंग में मज़ा तो आ जाएगा, मतलब कि जितने का आप लैपटॉप ये ले रहे हो उस हिसाब से पैसा वसूल कर दे रहा है ये लैपटॉप आपका। ठीक है, क्योंकि इसमें RGB भी, मतलब आपको इसमें रेड कलर का कीबोर्ड लाइटिंग भी मिल जा रहा है, बैकलाइट कीबोर्ड। और अगर अदर्स गेम्स की बात करें तो इसमें मैंने PUBG भी खेल के देखा, वैलोरेंट भी खेल के देखा, तो उतना खास दिक्कत नहीं हुई, सब आराम से बहुत स्मूथ चल रहा था। ठीक है, बिकॉज इसका डिस्प्ले अच्छा है एंड मैं काफ़ी दिनों के बाद लैपटॉप चेंज कर रहा हूँ, तो इसका डिस्प्ले मुझे काफ़ी बेटर लगा है। एंड अगर आपको ख़रीदना ही है तो चैनल में जो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है वहाँ से आप खरीद लो, थोड़ी चैनल की हेल्प हो जाएगी। ठीक है, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर देना है चैनल को एंड इस वीडियो को लाइक कर देना एंड बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जो मैं आगे वीडियोज़ लाऊँ इसके जो एडिटिंग टेस्ट या फिर काफ़ी सारे और वीडियोज़ आने वाले, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो इस बात का ध्यान रखना,
अब बात करते हैं इसके बैटरी लाइफ की। ठीक है, आप एक गेमिंग लैपटॉप ले रहे हो एंड उसमें आप चाहते हो कि इसका बैटरी लाइफ कैसा है, तो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे इसके बारे में कि भाई बैटरी लाइफ के बारे में बताओ इसका। तो मैं कुछ दिन टेस्ट किया मैंने इसके बैटरी लाइफ को। ठीक है, तो ये चार्ज होने में टाइम तो 2 आवर्स का ले लेता है फुल चार्ज होने में 100%। ठीक है, बट अगर आप इसके बात करो कि कितना जल्दी ड्रेन होता है, तो अगर आप नॉर्मल यूजेस कर रहे हो उसके बैटरी को बैलेंस मोड में रख के, ठीक है, तो आप उतना नॉर्मल यूज़ कर रहे हो, मतलब कि वैसे ब्राउजिंग, ऑफिस टास्क वास ये सब कर रहे हो, तो ये आपको 5 घंटे का बैकअप आराम से दे देगा। मूवी भी देखोगे ये सब, तो 5 घंटे का बैकअप आराम से आप ले सकते हो। बट अगर आप गेमिंग कर रहे हो या फिर आप एडिटिंग कर रहे हो, मतलब हैवी टास्क जो कर रहे हो हाई परफॉर्मेंस मोड में रख के, तो उसमें आपको इसका जो बैटरी बैकअप है वो काफ़ी कम दिखेगा, क्योंकि जब बैटरी ज़्यादा ड्रेन होती है क्योंकि उसमें GPU काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है एडिटिंग और गेमिंग में, तो ये आपको 2 आवर्स का बैटरी बैकअप दे देगी। ठीक है, बट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एक इतने सस्ते गेमिंग लैपटॉप से, मतलब कि 55,000 के अंडर जो ये लैपटॉप आ रहा है उसमें आप उतना गेमिंग के लिए उतना बैटरी लाइफ एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो आप चार्जिंग ब्रिक को कैरी करना, 120 वाट का चार्जिंग ब्रिक आपको इसमें मिल जाता है, जो कि आपको टाइम सफिशेंट टाइम में चार्ज कर देता है आपके लैपटॉप को। सो अगर पोर्ट्स की बात करें तो इसमें आपको 2 3.1 के पोर्ट्स मिल जाते हैं USB पोर्ट, एंड 1 2.1 का USB पोर्ट मिल जाता है, और फिर माइक्रोफोन एंड ईयर हेडफोन का आपको अलग अलग जैक मिल जाता है, एंड साथ ही साथ आपको इसमें टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिल जाता है, एंड लैन पोर्ट भी मिल जाता है, एंड HDMI का पोर्ट जो है इसका वो पीछे में देखने को मिल जाता है, ताकि आप जो एक्सटर्नल मॉनिटर लगाओगे कभी तो उसका जो वायर है वो हिडन रहे, इस वजह से पीछे दिया है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। एंड अगर स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज आपको इसमें मिलता है 512 GB की SSD NVMe SSD, एंड आप इसमें HDD और SSD एक्सटर्नल लगा भी सकते हो, उसका भी ऑप्शन मिलता है। एंड बॉक्स में आपको उसके साथ साथ कुछ नट एंड स्क्रूज मिलते हैं जिसके द्वारा आप SSD लगा सकते हो बाद में कभी। ठीक है, एंड अगर इसके ड्रॉबैक की बात करें जो मुझे इस लैपटॉप में उतना अच्छा नहीं लगा, सो इसमें आपको जो बॉटम में, अगर आप इस लैपटॉप को नीचे देखोगे तो यहाँ पे एक फैक्ट्री सील का स्टिकर लगा हुआ है। ठीक है, वहाँ पे एक स्क्रू है, अगर आप खुद से उस स्क्रू को खोलने की कोशिश करोगे ना, तो वो जो वारंटी है वो आपका नहीं रहेगा। एंड MSI इस लैपटॉप में 2 ईयर्स की वारंटी देती है, बट अगर आप उसे सील को हटा दोगे तो वो वारंटी आपका चला जाएगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप जब भी लैपटॉप में रैम अपडेट कराओ या स्टोरेज अपडेट कराओ 2 साल के अंदर में, तो आपको सर्विस सेंटर से कराना पड़ेगा, MSI के ऑथराइज सेंटर सर्विस सेंटर से, और कहीं से मत कराना, नहीं तो ये वारंटी आपका ले के चल जाएगा। सो इस बात का ध्यान रख लेना। ठीक है, एंड अगर इसके स्पीकर्स की बात करें तो स्पीकर्स ना ज़्यादा लाउड हैं ना ज़्यादा लो बजते हैं। ठीक है, लैपटॉप के स्पीकर जो हैं लैपटॉप के काफ़ी अच्छे हैं, मतलब कि आप अगर घर में हो ना तो आपके लिए सफिशिएंट है इसका साउंड, एंड इसका साउंड भी क्रिस्टल क्लियर है, तो उसमें अभी आपको दिक्कत नहीं होने वाली। एंड अब बात करते हैं अगर आप इसको एडिटिंग पर्पज़ के लिए लेना चाहते हो कि नहीं, जैसे कि मैंने इसे आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो, डाविंची रिजॉल्व ये सब भी चला के देखा है, एंड मैंने मेन उसी पर्पज़ के लिए लिया, मैंने गेमिंग के लिए नहीं लिया इस लैपटॉप को। तो आप इससे मुझे एक्सपेक्ट मत करना कि मैं उतना गेमिंग करूँगा, बट फिर भी जितना आपको नेसेसरी होगा ना, मैं इस लैपटॉप में आपको उतना गेमिंग करके दिखा दूँगा, उतना एग्जाम्पल्स दे दूँगा, बट मैंने अपने पर्सनल यूजेस के लिए लिया है एंड मैं उतना गेमिंग नहीं करने वाला इस लैपटॉप से। सो देखो, अगर आप एडिटिंग के लिए ले रहे हो तो आप प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स एंड एडोब के सॉफ्टवेयर से, फोटोशॉप, फिर डाविंची रिजॉल्व जो अभी आप बहुत सारे ट्रेंड में पकड़ा हुआ है, ये सब तो यूज़ करोगे ही करोगे, तो उसमें आपको इसको एक्सट्रीम परफॉर्मेंस में रखना पड़ेगा। एंड जो आप अगर सोचोगे कि टाइमलाइन में कैसा लैग आता है, तो उसके बारे में कुछ और वीडियो में डिस्कस करेंगे, मैं आपको पूरा स्टार्टिंग टाइम, एंड टाइम एंड जो रेंडरिंग स्पीड है वो बता दूंगा कोई और वीडियो में। इस वीडियो में इतना जान लो कि आप 1080p आराम से एडिट कर सकते हो, एंड 4K अगर आप एडिट करना चाह रहे हो ना, 4K में थोड़ा सा लैग आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि जो टाइमलाइन है उसमें आपको इसका जो रिजोल्यूशन है, मतलब जो आप टाइमलाइन में वीडियो देखते हो उसका रिजोल्यूशन 1:2 करना पड़ेगा। ठीक है, फुल में अगर आप देखोगे तो फुल में वो अटकने वाला है, ये मेक श्योर कर लो। सो आप 4K एडिटिंग के लिए तो ये लैपटॉप प्रेफर नहीं कर सकते उतना, बट अगर आप 1080p में आपको कैसा भी एडिटिंग करना है, आफ्टर इफेक्ट्स करना है, फोटोशॉप करना है, प्रीमियर प्रो करना है, डाविंची रिजॉल्व करना है, तो ये आराम से हैंडल कर लेगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ना ये लैपटॉप ज़्यादा हीट होता है एडिटिंग के टाइम पे। सो उतना आप टेंशन ना लो इस लैपटॉप के बारे में। एंड इसका जो डिज़ाइन है वो मुझे काफ़ी पर्सनली बहुत अच्छा लगा इस लैपटॉप का डिज़ाइन मुझे, क्योंकि जो पीछे ड्रैगन जो बना हुआ वो काफ़ी अच्छा फीलिंग देता है, मतलब कि लगता है गेमिंग लैपटॉप। एंड अगर इसकी वेट की बात करें ना, सपोज़ आप स्कूल जाने के लिए ले रहे हो, मतलब आप अपने स्टडी के लिए ले रहे हो ये लैपटॉप, उसका वेट ज़्यादा नहीं है। इसका वेट कितना है, इसका वेट है 1.82 किलोग्राम्स। ठीक है, तो ज़्यादा वेट नहीं है, 1 kg, मतलब 2 अप्रॉक्स 2 kgs, 2 से भी कम है, तो उतना कुछ वेट नहीं होता यार गेमिंग लैपटॉप का। गेमिंग लैपटॉप है बट बहुत हल्का है, इसीलिए इसका नाम ही है गेमिंग GF 63 थिन। ठीक है, तो थिन एंड लाइट
ये समझ लो लैपटॉप काफ़ी अच्छा है, आप अगर चाहो तो बाय कर सकते हो। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया ना तो सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, एंड इस वाले वीडियो को लाइक कर देना, एंड मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।